हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो मेरा एक्चुअली आप 6-7 महीने बाद मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरा मकसद यही है बनाने का। एक्चुअली मैं अभी बहुत दिन बाद, वैसे तो मैंने यहाँ पे काफ़ी ट्रैवल किया इंडिया में, अभी मैं काफ़ी दिन बाद मैं सोच रहा था कि कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल किया जाए, बट किस्मत देखो, मेरे एक दोस्त की शादी थी बैंकॉक में, थाईलैंड में, तो उसकी शादी में मुझे जाना था और मेरा प्लान था वहाँ पे 4 से 5 दिन रुकने का। बट ऐसा बुरा हुआ मेरे साथ, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ विस्तारा एयरलाइंस के क्रू के चलते। और जो ये लड़कियाँ होती है ना, मतलब जो क्रू, आप जब काउंटर पे जाते हो आप बोर्डिंग पास लेने, क्योंकि डोमेस्टिक में तो आप बोर्डिंग पास डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इंटरनेशनल वाले में आपको जाना पड़ता है काउंटर पे, आपका लगेज वगैरह सब चेक होता है। तो उनका कंसर्न ये था कि आप लेट आए हो, जबकि मैं टाइम से ही पहुंच गया था। ये मान लो कि 8:30 की मेरी फ़्लाइट थी, तो 6:30-7 बजे तक मैं पहुँच गया था। और वो मेरे को कह रहे थे कि आपने जो रिटर्निंग टिकट बुक किया है उसका प्रिंट आउट लेके आओ। मेरे साथ तो ऐसा पहली बार हुआ है, 5-6 बार बाहर जा चुका हूँ, मतलब अब रिटर्निंग टिकट यार एयरपोर्ट पे प्रिंट आउट लेके कहाँ से आएगा बंदा। फिर भी मेरी रिटर्निंग टिकट जो थी वो स्पाइस जेट की थी, तो मैंने रिटर्निंग टिकट का प्रिंट आउट निकाला स्पाइस जेट के काउंटर पे जाके और मैंने उसको दिखाया। वो कह रहा, नहीं ये टिकट वैलिड नहीं है, आपका इसमें नाम नहीं है। और मेरे से गलती ये हो गई। गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप लोग कभी भी टिकट बुक करो हैप्पी फेयर्स को इग्नोर करना, वो मोस्टली ग्रुप टिकट बेचते हैं। ग्रुप टिकट उसको कहते हैं, आपका 1-2 हज़ार कम होगा उसका प्राइस, बट वो कंफर्म होता है 12 से 24 घंटे पहले। जर्नी, जैसे कि मान लो आपकी परसों की फ़्लाइट है, तो कल आपका नाम शो होगा ऑनलाइन, तो इसलिए मेरा उस पर नाम शो नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मतलब मेरा नाम शो नहीं हुआ, तो उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास नहीं दी विस्तारा वालों ने। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि मेरा कर दो कुछ, मतलब आना जाना मिला के मेरा मान लो कि 30 हज़ार का नुकसान हो। अभी यार 30 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। तो यही था, जाते जाते रह गया मैं। पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, वो भी इंटरनेशनल, तो बुरा तो लगता ही है यार, 30 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। बाकी मैंने हैप्पी फेयर्स को ईमेल भी किया काफ़ी कि मेरा रिफ़ंड दे दो, मेरा टिकट कैंसिल करके। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये आपका नॉन रिफंडेबल टिकट है, नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मेरे को रिफ़ंड भी नहीं दिया। और जो विस्तारा के जो थे वहाँ पे, उनसे भी मेरी काफ़ी बहस हुई, मैंने वीडियो भी बना लिया। अगर वो चाहते तो मेरे को बोर्डिंग पास दे सकते थे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी था हमारे पास, मेरे पास। और क्योंकि यार अब कोई भी बंदा मान लो इंडिया से बाहर जा रहा है, रिटर्निंग टिकट तो कटवाएगा ही कटवाएगा, है ना, बिना रिटर्निंग टिकट के थोड़ी जाएगा ना। तो यही आप लोग ध्यान रखना गाइस, हैप्पी फेयर्स को इग्नोर करना। अगर हैप्पी फेयर से आप सस्ते के चक्कर में टिकट बुक भी करते हो, तो ध्यान रखना कि आपका जिस डेट को आप जा रहे हो उससे 4-5 दिन पहले बुक करना। मेरे से वही गलती हो गई कि मैं एयरपोर्ट जाते जाते टिकट बुक किया, मतलब सुबह के टाइम 5 बजे के आसपास, तो इस वजह से ऐसा हो गया। तो यही था, बाकी अभी मेरा प्लान है आगे 1-2 महीने में ट्रैवल करूँगा। ये वाला तो चलो हटा ही दो, अभी मेरा काफ़ी दिन से मैं एक्चुअली नोएडा शिफ्ट हो गया हूँ जॉब वगैरह के चक्कर में, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। हालांकि मैंने ट्रैवल किया काफ़ी यहाँ पे इंडिया में, इधर नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड, हिमाचल, काफ़ी जगह गया, बट वही है, वीडियो बनाने का उतना मन नहीं किया, बनाया भी तो डाला नहीं, बट अब से कंटिन्यू हो जाएगी। विद इन अ मंथ मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालूँगा। तो यही था, हैप्पी फेयर से आप लोग बच के रहना भैया, मेरे तो नुकसान हो गया, मैं नहीं चाहूँगा कि और किसी का नुकसान हो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये मैं वीडियो फ़ोन से बना रहा हूँ, बताना कैसी क्लैरिटी है। चलो ठीक है, बाय।